हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स के पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ पर डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग उस प्रॉपर्टीज़ पे आधारित जो क्वेश्चन होता है जिसको हम लोग बनाते हैं, और उस क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाते हैं प्रॉपर्टीज़ की मदद से, वो हम लोग देखेंगे इसमें। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिटरमिनेंट्स के प्रॉपर्टीज़ को देखा था। इस वीडियो में हम लोग उसके क्वेश्चन को देख रहे हैं कि उस प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ बोर्ड पे, जिसका कि मान निकालना हमें। एक्सपेंशन का रूल हम लोगों ने पढ़ रखा है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के द्वारा हम लोग इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग अब प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे। प्रॉपर्टीज में एक खासियत ये है कि हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जीरो अधिक लाएं, क्योंकि जीरो के अलावा एक्सपेंड करने से क्या होता है कि आप आसानी से जल्दबाजी में वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे किसी रो में तीन एलिमेंट है, और तीन में से अगर एक या दो एलिमेंट अगर जीरो हो जाए, तो तीन या एक एलिमेंट अगर जीरो हो जाए तो उसके अलावा एक्सपेंड करने से वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाएगा। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं किसी एक रो या किसी एक कॉलम में जीरो की संख्या को हम लोग बढ़ाएं। तो उसके लिए प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई करते हैं सो देख लेते हैं। जैसे कि आप इधर देखिए कि अगर इस फर्स्ट रो को अगर आप गौर से देखें तो फर्स्ट रो में वन 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 है। हम लोग कोशिश ये करते हैं किसी एक रो या किसी एक कॉलम में या तो वन का कम्बिनेशन मिले या सेम नंबर आ जाए। तो उससे बेनिफिट क्या होता है कि सेम नंबर को सेम नंबर से अगर आप माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर फर्स्ट रो को हम देखें कि रो में अगर वन 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 है, तो कॉलम के तरफ से हम लोग ऑपरेशन करते हैं, यानी कि C1 को लिखेंगे C1 माइनस C2, और C2 को लिखेंगे C2 माइनस C3। इससे बेनिफिट क्या होगा सो देखिए, 1 माइनस 1 जीरो होगा, 1 में से इसको माइनस करेंगे 1 माइनस 1 माइनस x होगा, और 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को अगर अप्लाई करते हैं, C2 में से अगर C3 को माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 जीरो, 1 प्लस x में से 1 को माइनस करेंगे और नीचे आपको 1 माइनस 1 माइनस y हो जाएगा, और ये 1 1 1 प्लस y तो आपको रहेगा ही। अगर इसे एक बार और लिखना चाहें तो ये जीरो होगा, ये माइनस कैंसिल होकर के यहाँ माइनस एक्स बचेगा, नीचे भी आपको जीरो है, यहाँ जीरो है, ये कैंसिल आउट होगा तो यहाँ एक्स बचेगा, और ये भी कैंसिल होकर के माइनस वाई बचेगा, और यहाँ वन 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 प्लस वाई तो है ही। अगर इसे फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया जाए, फर्स्ट रो भी ले सकते हैं, फर्स्ट कॉलम भी ले सकते हैं, अगर इसे फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया जाए तो बोलिए क्या ये दोनों जीरो आप लेंगे एक्सपेंशन में? नहीं लेना है, कोई बेनिफिट ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जीरो के अलावा किसी को भी लिखेंगे जीरो होगा, इस जीरो के अलावा किसी को भी लिखेंगे जीरो होगा, तो बच कौन गया वन। और आपको पता होगा वन को कौन सा साइन देंगे, प्लस साइन देंगे। तो अगर प्लस वन को हम पकड़े हैं इसके रो कॉलम को ढक लेंगे तो ये चारों बचेगा, माइनस एक्स एक्स जीरो माइनस वाई। और अगर इसे एक्सपेंड करना चाहें इधर से तो ये एक्स वाई माइनस इधर से जीरो होगा, यानी ओवरऑल वैल्यू आपको एक्स वाई हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू हो गया एक्स वाई। डिटरमिनेंट्स का ये अगला क्वेश्चन ले रहे हैं जो बोर्ड पर लिखा हुआ है कि इसका हमें वैल्यू चाहिए। अब देखिए यहां पर वन नहीं है, तो हम लोग कोशिश करते हैं किसी एक रो या किसी एक कॉलम में वन आ जाए, क्योंकि वन आने के बाद मामला एकदम आसान हो जाता है, आपको प्रॉपर्टीज लगाना आसान हो जाएगा। जैसे आप देख लीजिए, आप रो वाइज या कॉलम वाइज किसी भी तरीका से आप काम कर सकते हैं। अगर आप देखें इसको गौर से, यदि तीनों रो को आप जोड़ें या तीनों कॉलम को आप जोड़ें तो आपको एक ही टर्म मिलेगा, क्योंकि सवाल एकदम अरेंज करके दिया हुआ है। अगर यहाँ पर C1 को हम लिख रहे हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3, अगर तीनों कॉलम को जोड़ करके हम C1 के पास लिखें, इससे क्या होगा सो देखिए, एक्स 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 यहां पर आपको हो जाएगा 3x प्लस लेमडा, नीचे में अगर ऐड करें एक्स 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 ये भी आपको होगा 3x प्लस लेमडा, और उसके नीचे वाले को अगर ऐड करेंगे तो यहाँ भी एक्स 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 है, यानी ये भी हो जाएगा 3x प्लस लेमडा। ये एक्स प्लस लेमडा एक्स, ये एक्स 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 प्लस लेमडा आपको रहेगा ही, यानी सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम पर किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करना है। फर्स्ट कॉलम आपका बदल जाएगा, और वो फर्स्ट कॉलम कैसे बदलेगा, तीनों कॉलम को ऐड करके हमें C1 के पास लिखना, हमने लिखा है। आप इसको गौर से देख रहे होंगे कि ये क्या है, ये 3x प्लस लेमडा है, और तीनों सेम है, तीनों अगर सेम है
आपको पता है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम से हम कॉमन ले सकते हैं एलिमेंट को, तो यहां पर क्या बचेगा, यहां बच जाएगा 1 1 1, ये x x प्लस लेमडा x, ये x x, ये x प्लस लेमडा होगा। अगर आप गौर से देखें फर्स्ट कॉलम को, देखिए फर्स्ट कॉलम में 1 आ गया, तो यही 1 के कॉम्बिनेशन को लाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। जो ही यहां पर 1 आ गया, तो कॉलम अगर आ गया 1, तो रो का ऑपरेशन करना है, R1 को लिखना है हमें R1 माइनस R2, और R2 को हमें लिखना है R2 माइनस R3। ये काम केवल 2 बार हमें करना है। ये 3x प्लस लेमडा बाहर में रहेगा ही, 1 माइनस 1 0, x में से इसको माइनस करेंगे x माइनस लेमडा, और यहां x माइनस x 0 होगा, 1 माइनस 1 0, यहां x प्लस लेमडा माइनस x होगा क्योंकि इसमें से इसको माइनस करेंगे, और यहां हो जाएगा x माइनस लेमडा, और नीचे में 1x x प्लस लेमडा तो रहेगा ही। आप इसको अगर गौर से देखें तो यहां पर x x माइनस कट जाएगा, ये x आपका कैंसिल हो रहा है। अगर इसके नीचे में स्ट्रिप को हम लिखना चाहें, देखिए यहां लिख दे रहे हैं, तो ये आपको हो जाएगा 3x प्लस लेमडा, यहां पर हो जाएगा 0 0 1, यहां पर आपको माइनस लेमडा होगा, यहां पर लेमडा होगा, ये एक्स है, ये जीरो है, ये माइनस लेमडा होगा, और यहां एक्स प्लस लेमडा आपको बच जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो फॉर्म होगा डिटरमिनेंट्स का वो ऊपर में लिख दिए हैं। अब इसे अगर फर्स्ट कॉलम के अलावा आप एक्सपेंड कर देते हैं, आप यहां देख लीजिए कि आपको यहां पे 1 के अलावा एक्सपेंड करना है, और 1 के कॉलम और रो को अगर ढक लें तो माइनस लेमडा 0, लेमडा माइनस लेमडा यहां बच जाएगा, ये चारों एलिमेंट। तो इसे अगर आप एक्सपेंड करते हैं तो आप देखिए क्या होगा, इधर से हो जाएगा आपको लेमडा स्क्वायर माइनस, इधर से हो जाएगा 0, यानी कि ये लेमडा स्क्वायर इंटू 3x प्लस लेमडा आपको इसका आंसर हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर इंटू 3x प्लस लेमडा। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर्टी लगा, जैसे इसमें 2 प्रॉपर्टी लगाए हैं, एक प्रॉपर्टी यहाँ एक प्रॉपर्टी यहाँ लगाए हैं, बीच में एक प्रॉपर्टी यहाँ लगाए कि हमने कॉमन लिया है। तो ये सब एक क्वेश्चन में कई प्रॉपर्टी आपको लग सकता है, स्टेप बाय स्टेप आपको सोचना पड़ेगा कि इसके बाद क्या करें, इसके बाद क्या करें, इसके बाद क्या करें। तो आपको जो है स्टेप जब बढ़ाइएगा धीरे धीरे आपको सारा चीज नजर आने लगेगा, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ये एक अगला क्वेश्चन है, इसका हमें वैल्यू निकालना है। अगर गौर से आप देखें तो आपको दिख रहा होगा 1 का कॉम्बिनेशन कहां पर है, 1 का कॉम्बिनेशन तो बोलना है 1 रो में है, कहां पे है 1 आपको रो में है, ये फर्स्ट रो में आपको 1 दिख रहा है। तो अगर 1 का कॉम्बिनेशन रो में दिखे तो कॉलम का आपको ऑपरेशन करना है, यानी इसे लिखेंगे C1 को लिखेंगे C1 माइनस C2, और C2 को लिखेंगे C2 माइनस C3। ये काम केवल 2 बार करना है। तो 1 माइनस 1 0 होगा, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, उसके नीचे ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा। ये प्रॉपर्टी अगर लगाते हैं 1 माइनस 1 तो यहां 0 होगा, नीचे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा, उसके नीचे बी क्यूब माइनस सी क्यूब होगा, और 1 सी स्क्वायर सी क्यूब तो आपको थर्ड कॉलम रहेगा ही, क्योंकि थर्ड कॉलम पर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब अगर गौर से आप देखें तो आपको फर्स्ट रो में 00 दिख रहा है, एक्सपेंशन किसके अलोंग करेंगे, बोलना है फर्स्ट रो के अलोंग। अगर इस 1 को आप प्लस साइन देंगे तो 1 को अगर आप पकड़ते हैं तो 1 के रो और कॉलम को आप ढक लीजिए तो आपको चारों ये दिखेगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और यहां बी क्यूब माइनस सी क्यूब होगा। डायरेक्ट एक्सपेंशन का रूल हमेशा नहीं लगाया जाता है, अगर आपको टर्म फैक्टर में मिल रहा है तो आपको ये कोशिश करनी है कि अधिक से अधिक फैक्टर ला करके हम लोग सारे फैक्टर को कॉमन निकाल लें। जैसे आप गौर से देखें तो ये फॉर्मूला आपको नजर आ रहा होगा, ये फॉर्मूला है आपको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, ये फॉर्मूला है आपको ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का, ये आपको फॉर्मूला है बी प्लस सी बी माइनस सी का, ये फॉर्मूला है आपको बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर का। आप अगर गौर से देखें तो देखिए आप फर्स्ट कॉलम में आपको ए माइनस बी कॉमन आ रहा है, सेकेंड कॉलम से आपका बी माइनस सी कॉमन आ रहा है। तो अगर हम ए माइनस बी को कॉमन ले और बी माइनस सी को कॉमन ले तो यहां पर आपको जो टर्म्स दिखेगा आगे सो देख लिए कैसा दिखता है। अगर यहां से ए माइनस बी निकल गया तो यहां ए प्लस बी दिखेगा, नीचे में आपको ये निकल गया तो ये वाला टर्म दिखेगा, यानी कि ए स्क्वायर
प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिखेगा, सेकेंड कॉलम में आपको बी प्लस सी यहां बचेगा और नीचे में बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर दिखेगा। तो ये आपको टर्म्स बच रहा है। अब क्या करेंगे, अब देख रहे हैं कहीं से कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, तो अब इसको आप डायरेक्ट अगर एक्सपेंड कर दें तो क्या दिखता है, सो देखिए ये बाहर का ए माइनस बी और बी माइनस सी है ही, अगर इधर से एक्सपेंड करें तो ये ए प्लस बी का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, माइनस इधर से अगर मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे बी प्लस सी के साथ। तो अगर इसे आप एक्सपेंड करते हैं तो क्या आपको दिख रहा है, शो देखिए, ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी स्क्वायर, ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी सी होगा, ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए सी स्क्वायर होगा, बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी क्यूब होगा, बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर सी होगा और बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी सी स्क्वायर होगा। अब अगर यहां बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी माइनस में होगा, बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी स्क्वायर होगा, बी से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी क्यूब होगा, सी से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए स्क्वायर सी होगा, माइनस ए बी सी होगा और माइनस बी स्क्वायर सी होगा। यानी अगर इसे टोटली आप एक्सपेंड करें तो आपको ये टर्म दिखेगा। अब देखिए इसमें कोई टर्म कैंसिल भी हो रहा है क्या, आप देख रहे हैं कि ये ए बी सी आपको प्लस में और ये ए बी सी आपको माइनस में कैंसिल आउट होगा, ये बी क्यूब आपका प्लस में है और ये बी क्यूब आपका माइनस में है कैंसिल आउट होगा, और कोई टर्म्स कैंसिल हो रहा है, जैसे ए बी स्क्वायर है कहीं पर ए बी स्क्वायर है, नहीं है, ए सी स्क्वायर कहीं है तो नहीं है, बी स्क्वायर सी कहीं है तो बी स्क्वायर सी यहां देख रहे हैं, बी स्क्वायर सी यहां देख रहे हैं, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल आउट होगा, ए स्क्वायर बी कहीं है नहीं, ए बी स्क्वायर यहां माइनस में है, ए बी स्क्वायर यहां प्लस में है, ये भी आपका कैंसिल हो रहा है। आपको जो टर्म बच रहा है वही ए सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी बी सी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी करके आपको टर्म बच रहा है। अब अगर इसमें देख लीजिए कि ए सी स्क्वायर अगर है तो चूंकि ए माइनस बी बी माइनस सी आप देख रहे हैं तो ए माइनस बी बी माइनस सी का मतलब इसको बोलते हैं साइक्लिक फैक्टर, एक साइक्लिक फैक्टर होता है, ए माइनस बी बी माइनस सी अगर है तो सी माइनस ए होगा ही, ए माइनस बी बी माइनस सी अगर आपको मिला है तो सी माइनस ए मिलेगा ही। इस फैक्टर को हम आपस में ऐसे अरेंज करते हैं ताकि सी माइनस ए हमें मिले। अगर हम ए सी स्क्वायर को इस ए स्क्वायर सी के साथ लिखे, हम एक साथ इसको इसके साथ लिख रहे हैं और इस दोनों को हम एक साथ लिख रहे हैं, यानी बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी को हम एक साथ लिख रहे हैं, तो क्या होगा यहां पर, सो देखिए ए माइनस बी बी माइनस सी यहां बाहर में है ही, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से ए सी कॉमन आ रहा है, ए सी अगर कॉमन लेंगे तो यहां सी माइनस ए दिखेगा, और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से आपको बी कॉमन आ रहा है, तो बी कॉमन लेंगे तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखेगा। तो इसका फिर लग जाएगा फॉर्मूला, तो ये आपको हो जाएगा ए माइनस बी बी माइनस सी, और अगर यहाँ ए सी है और ये सी माइनस ए है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा सी प्लस ए सी माइनस ए का, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको कितना हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस माइनस बी, तो यहां देखिए सी माइनस ए आपको कॉमन आ जाएगा। अगर यहां से हम चाहते हैं कॉमन लें ए माइनस बी बी माइनस सी तो बाहर में है ही, अगर यहां से सी माइनस ए कॉमन लें तो यहां अंदर में क्या बचेगा ए सी, और ये टर्म आपको बचेगा तो बी से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी और बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी बचेगा, यही टर्म आपको जो है आंसर हो जाएगा ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए बी बी सी ए सी यानी सी ए, यही टर्म आपको यही आपका आंसर हो जाएगा। और कभी कभी ये क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए भी देता है, तो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन भी रहेगा तो भी हम ऐसे ही बनाएंगे इसे। ये फैक्टराइजेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो कि डिटरमिनेंट्स के प्रॉपर्टी को इन्वॉल्व किया है, इसे नोट कर लिया जाए। डिटरमिनेंट्स का एक अगला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ बोर्ड पे, अगर इस क्वेश्चन को आप देखते हैं तो यहाँ आप देखेंगे कि वन का कम्बिनेशन यहाँ कहीं भी नहीं है, न ही रो में है न ही कॉलम में है। हम लोग हर संभव कोशिश करते हैं कि वन का कम्बिनेशन हमें मिले, क्योंकि वन का कम्बिनेशन मिलने के बाद क्वेश्चन बनाना फिर आसान हो जाता है। हम लोग यहाँ ऐसा प्रॉपर्टी लगाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें वन का कम्बिनेशन मिल जाए, ताकि इसको फैक्टराइजेशन करना फिर आसान हो जाए। अगर गौर से आप देखेंगे, अब देखिए यहाँ ए है तो यहाँ बी सी आप ऐड करिए, ए प्लस बी प्लस सी इस दोनों को ऐड करिए, ए प्लस बी प्लस सी इस दोनों को ऐड करिए, ए प्लस बी प्लस सी, यानी फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम को अगर ऐड किया जाए तो आपको ए प्लस बी प्लस सी मिल रहा है। अब है कि आप दोनों कॉलम को ऐड करके या तो सी वन की जगह लिख लें
या दोनों कॉलम को ऐड करके आप सी टू की जगह लिख लें। हम लोग करते क्या हैं, हम लोग सी टू को लिखते हैं सी टू प्लस सी वन। इससे बेनिफिट क्या होगा सो देखिए, एबीसी यहां पर है ही, यहां आपको ए प्लस बी प्लस सी होगा, यहां पर बी प्लस सी प्लस ए होगा और यहाँ सी प्लस ए प्लस बी होगा। थर्ड कॉलम जैसा है वैसा ही आपको रहेगा, ये अनइफेक्टेड रहेगा। अब देखिए इससे सेकेंड कॉलम का जो एलिमेंट है ये तीनों आपको सेम दिख रहा होगा। अगर यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी हम कॉमन लें तो यहाँ ए बी सी है तो यहाँ आपको वन 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 आ जाएगा और बगल में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो आपको है ही। तो जरूरी नहीं है कि इसको हम अपडेट करके हम सी वन के पास ही या हम लोग रो वन के पास ही लिखते, कहीं पर भी लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ सेकेंड कॉलम को चेंज किया है तो वन का कम्बिनेशन आपको कहाँ मिला है, वन का कम्बिनेशन ऑलमोस्ट सेकेंड कॉलम में मिला है, यानी सेकेंड कॉलम की जगह ही हमें जीरो लाना है। तो चूंकि यहाँ वन किस में है, कॉलम में है, इसीलिए यहाँ प्रॉपर्टी हम लोग लगाते हैं आर वन को लिखेंगे आर वन माइनस आर टू और आर टू को लिखेंगे आर टू माइनस आर थ्री। ये काम केवल हमें दो बार करना होता है, थ्री बाय थ्री में केवल दो बार ये काम करना है। तो ये इसके बाद जो टर्म्स आपको हो जाएगा वो टर्म्स होगा कि बाहर में तो ए प्लस बी प्लस सी आपको है ही, यहाँ पर आपको ए माइनस बी होगा, यहाँ पर जीरो होगा, यहाँ आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बी माइनस सी होगा, यहाँ जीरो होगा, यहाँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा और नीचे में सी वन सी स्क्वायर तो आप देख ही रहे हैं। यानी कि फर्स्ट रो में से सेकेंड रो को माइनस किए थे, ए माइनस बी वन माइनस वन जीरो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे वाला प्रॉपर्टी लगाए हैं बी माइनस सी वन माइनस वन जीरो, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। नीचे में है थर्ड रो जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर इसे सेकेंड कॉलम के अलोंग आप एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि सेकेंड कॉलम में जीरो की संख्या अधिक है तो आपको बचेगा ये वन। तो बोलिए इस वन को कौन सा साइन देंगे, वन को साइन देंगे माइनस का, क्योंकि बीच वाले कॉलम में साइन कौन यूज करेंगे, बीच वाले कॉलम में साइन यूज करेंगे माइनस प्लस माइनस का। तो ये माइनस साइन वन के पास जाएगा। तो ये ए प्लस बी प्लस सी इंटू वन को अगर देते हैं माइनस वन तो इस वन के कॉलम और वन के रो को अगर ढक लें तो यहाँ ए माइनस बी यहाँ बी माइनस सी यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आपको दिखेगा। अब इसका काम हम लोग जस्ट पिछले क्वेश्चन के ही तरह करेंगे कि अगर इसे हम एक्सपेंड करें इसको तो ये आपको a प्लस बी ए माइनस बी होगा। नीचे में अगर देखा जाए तो ये b प्लस सी बी माइनस सी का फॉर्मूला है। आपको यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही ये है, आपको फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो b प्लस सी बी माइनस सी मिलेगा। फर्स्ट रो से यहाँ a माइनस बी और सेकेंड रो से b माइनस सी कॉमन आ रहा है। तो अगर यहाँ पर a माइनस बी और यहाँ अगर b माइनस सी हम कॉमन लें तो यहाँ आपको वन वन दिखेगा और यहां पर दिखेगा a प्लस बी और यहां दिखेगा b प्लस सी। अब अगर इसे आप एक्सपेंड कर लेते हैं तो आपको एक और फैक्टर मिलेगा c माइनस ए का। कैसे एक्सपेंड करते हैं ये आप समझ रहे हैं, पहला एक्सपेंशन इधर से तो b प्लस सी माइनस, फिर इधर से तो माइनस ए माइनस बी करके हो जाएगा। तो ये b और ये b आपको कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां पर आपको c माइनस ए मिलेगा। इस माइनस को आगे कर लेते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी बी माइनस सी और यहां आपको सी माइनस ए मिला। यही आपको इसका फाइनल आंसर होगा जो कि आपके सामने है। यानी एक तो यहां साइक्लिक फैक्टर वाला टर्म्स आपको मिला है और दूसरा एक टर्म मिला है ए प्लस बी प्लस सी। इसे आप लोग नोट कर ले। डिटरमिनेंट्स का ही ये अगला क्वेश्चन है जो आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है। अब यहां देख रहे हैं वन का कम्बिनेशन कहीं भी नहीं है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम वन का कम्बिनेशन नहीं है। तो हम लोग कोशिश करते हैं किसी एक रो या किसी एक कॉलम में वन का कम्बिनेशन मिले, लेकिन कभी कभी वन के कम्बिनेशन से और आसान हो जाता है सवाल अगर उसको आप गौर से देखें। तो हो सकता है किसी एक रो या किसी एक कॉलम में जीरो ही आ जाए, तो अगर जीरो मिल गया तो क्वेश्चन को सॉल्व करना और आसान हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखें आप ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए को तो आपको लग रहा होगा अगर तीनों को ऐड करें तो इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो क्यों ना यहाँ पर तीनों कॉलम को या तीनों रो को हम ऐड कर लें, कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे सी वन को लिख रहे हैं सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, इससे क्या होगा अगर इस तीनों कॉलम को हम ऐड करें अगर तो आपको मिलेगा इस तरह का टर्म। नीचे आ जाएंगे बी प्लस सी बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, नीचे हो जाएगा सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। ये सेकेंड कॉलम अगर बी माइनस सी सी माइनस ए माइनस बी है
और थर्ड कॉलम अगर सी माइनस ए माइनस बी बी माइनस सी है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, केवल इफेक्ट पड़ेगा सी वन पे, क्योंकि हम लोगों ने प्रॉपर्टी किस पे अप्लाई किया है, सी वन पे। तो ऐसा काम करने से आप अगर इसको गौर से देखें तो इस जगह का जो ये माइनस बी इससे कैंसिल होगा, माइनस सी इससे कैंसिल होगा, माइनस ए इससे कैंसिल हो जाएगा, नीचे का भी ये दोनों का दोनों एलिमेंट आपको जीरो हो जाएगा। तो अगर किसी एक रो या एक कॉलम की अगर सभी एलिमेंट जीरो हो जाएं, हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ा है उसका वैल्यू जीरो होता है। यहाँ इसको और आगे एक्सपेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको कह सकते हैं कि इस टोटल का वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा। तो ऐसा भी प्रॉपर्टी कभी कभी लगता है कि बिना वन के कॉम्बिनेशन को लाए ही हम लोग उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने बोर्ड पे, ओमेगा ये टर्म दिख रहा है, ये ओमेगा कॉम्प्लेक्स नंबर से लिया गया है, और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रॉपर्टी आप लोग को याद हो तो इसका प्रॉपर्टी होता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू जीरो होता है, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है। ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है। तो अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू जीरो होता है तो आप इसको देख करके समझ सकते हैं कि अगर तीनों रो या तीनों कॉलम को हम ऐड करें, या तो तीनों रो को या तीनों कॉलम को अगर ऐड करें तो आपको वो टर्म दिखेगा। जैसे अगर C1 को हम लिख रहे हैं इसमें C1 प्लस C2 प्लस C3, इससे क्या होगा सो देखिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, नीचे में आएंगे ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा होगा, ये C2 जो है आपको, और ये C3 जो है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जो ही ये प्रॉपर्टी आप अप्लाई किए तो 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर, यानी ये वैल्यू तीनों का तीनों क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और जो ही फर्स्ट कॉलम का सभी एलिमेंट जीरो हो गया आप इसके वैल्यू को जीरो कर सकते हैं, यही आपको आंसर हो जाएगा। तो ऐसा भी प्रॉपर्टी लगता है कि अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम का अगर सभी एलिमेंट जीरो हो तो उसका वैल्यू हम लोग डायरेक्ट जीरो करते हैं, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, इसे भी नोट कर लिया। अगला एक क्वेश्चन यहाँ पर डिटरमिनेंट्स का है आपके सामने, यहाँ पर भी वैल्यू निकालना, लेकिन यहाँ एक कंडीशन के साथ वैल्यू पूछ रहा है, पूछ रहा है कि अगर ए बी सी एपी में है तो इसका वैल्यू क्या होगा। ए बी सी अगर एपी में है तो हम लोग जानते हैं कॉमन डिफरेंस बराबर होता है, या उसी को शुद्ध रूप में कहने का एक दूसरा टेक्निक है कि साइड वाले टर्म का योगफल बीच वाले के दोगुने के बराबर होता है। यानी कि अगर a प्लस बी ए बी सी एपी में है आप इसको कह सकते हैं a प्लस सी इज इक्वल टू 2b, यानी साइड वाले का योगफल एडिशन बीच वाले के दोगुने के बराबर होता है। अगर इस 2b को इधर ले आया जाए तो a प्लस सी माइनस 2b आपको जीरो हो जाएगा। तो एक चीज यहां पर जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन से कि a प्लस सी माइनस 2b का वैल्यू जीरो होगा, हम लोग ऐसा प्रॉपर्टीज में लगाते हैं ताकि ये टर्म हमें मिले। अब देखिए ए और सी कहाँ है, तो ए देखिए आपको ए यहां पर है, ये ए आपको फर्स्ट रो में है और सी आपको थर्ड रो में है। अगर ए और सी को आप ऐड करते हैं, यानी फर्स्ट रो और थर्ड रो को ऐड कर रहे हैं, और 2b माइनस होगा कब, जबकि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, तो प्रॉपर्टी यहां आपको लगाना पड़ेगा कि R1 प्लस R3 माइनस 2R2। अगर ये प्रॉपर्टी आप लगाते हैं तो आपको ये टर्म दिखेगा यहां पे, इससे बेनिफिट क्या होगा सो देखिए, R1 प्लस R3 तो 4 प्लस 2 6y और 6 प्लस 4 10 होगा, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके अगर इसमें करते हैं तो ये भी आपको 6y माइनस 10 हो जाएगा। यहां देखिए 7 प्लस 5 12y प्लस 9 और 7 करेंगे 16 होगा, माइनस 2 से मल्टीप्लाई अगर करें तो ये आपको 12y माइनस 16 हो जाएगा। इधर आइए 10y 8y 18y प्लस a प्लस b होगा, और अगर 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 18y माइनस 2b हो जाएगा। ये फर्स्ट रो का एलिमेंट होगा, सेकेंड रो और थर्ड रो का जो एलिमेंट है वो जैसा एलिमेंट है आपको वैसा ही रिपीट कर लेना है। ये 6y प्लस 8 7y प्लस 9 यहां पर हो जाएगा, 9y प्लस b यहां हो जाएगा 10y प्लस c। अगर गौर से देखें ये टर्म सभी कैंसिल हो गया, ये टर्म सभी कैंसिल हो गया, इसमें 18y और 18y कैंसिल हो गया, बचा क्या, बचा आपको a प्लस बी माइनस यहां पे c हो जाएगा माइनस 2b, सही है, यहां c हो
जब आप इस दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ए प्लस सी होगा यहाँ पे, तो ए प्लस सी माइनस टू बी का वैल्यू, ए प्लस सी माइनस टू बी का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो ए प्लस सी माइनस टू बी भी जीरो हो गया, ये भी जीरो, ये भी जीरो। आप क्या देख पा रहे हैं, फर्स्ट रो का सभी एलिमेंट जीरो हो गया। और फर्स्ट रो का सभी एलिमेंट अगर जीरो हो तो शेष रो कुछ भी क्यों नहीं हो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आपको हो जाएगा जीरो, यानी टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन पर डिस्कस किया है, ऐसा क्वेश्चन डिटरमिनेंट्स का जिसमें कि हम लोग डिटरमिनेंट्स के प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं, उस क्वेश्चन को आज हम लोगों ने डिस्कस किया है। फिर अगले वीडियो में हम लोग इसके कुछ प्रूफिंग वाले क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं।